बीच चौराहे पर मॉडल लड़की ने जो कुछ किया तो वहां से जो कुछ गुजरा, हर कोई जो गुजरा वहां से वो देखता रह गया, ट्रैफिक थम गया और लड़की ने जो किया उसके बाद तो बवाल हो गया। जी हाँ, शुरुआत में डांस करती हुई लड़की का वीडियो आपको नजर आया होगा। मैं आपको बता दूं कहाँ का वीडियो है, इंदौर का ये वीडियो है। इस लड़की का नाम जो मॉडल है श्रेया कालरा बताया जा रहा है, इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रसोमा चौराहे पर जैसे ही लड़की ने ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचकर रेड लाइट जब हुई ऐसे डांस करना शुरू किया जो कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उसके बाद तो बवाल हो गया, ये वीडियो जमकर वायरल हुआ और अब एक्शन की बात भी ली जा रही है। इस बीच जो पुलिस है, पुलिस का ये कहना है कि इस तरीके का एंटरटेनमेंट के जरिए अगर मैसेज भी देना है युवाओं को तो जान पर खतरा डाल के मैसेज नहीं देना चाहिए, जगह को देखना चाहिए, ट्रैफिक को देखना चाहिए। हाँ, मुझे भी अभी ज्ञात हुआ है आपके माध्यम से कि इस तरह का वीडियो एक प्रचारित हो रहा है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ जो खासतौर पर हमारे यंगस्टर्स हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस जगह हमें वीडियो बनाना है। अगर आप बीच चौराहे पे किसी सड़क पे वीडियो बनाएंगे तो ना केवल ये उनके लिए खतरा होगा बल्कि जो दूसरे वाहन चालक हैं उनको भी खतरा भी होगा, असुविधा भी होती है। तो अपनी सुरक्षा के प्रति जवाबदेह रहें, अपने परिवार के लिए वो बहुत कीमती हैं, तो जब भी इस तरीके के कोई मनोरंजक उनको वीडियो बनाने हों तो वो ऐसे स्थानों का चयन करें जहाँ पर किसी और को असुविधा ना हो और उनको खतरा भी ना हो। तो ट्रैफिक के DSP बता रहे हैं कि इस तरीके से इंटरटेनमेंट के लिए या संदेश देने के लिए नहीं करना चाहिए काम, लेकिन श्रेया कालरा ने एक्सक्लूसिव MP तक को बताया कि ये जो उसने किया डांस उसका मकसद जो है लोगों को संदेश देना था, अवेयर करना था। So I'm here to talk about this viral video of this girl who has been dancing on Rasoma Indore traffic signal. So I am that girl and I wanted to talk about my motive through this video. My main motive to create this video was that a red signal means that you have to stop. और pedestrian crossing sign जो दिया है वो इसलिए होता है कि आप slow करो अपनी speed so people can walk through that. Okay. So my motive was that कि जब traffic signal बंद है why are you breaking the rules? I know maybe I've been receiving a lot of positive responses because of the video and I've been receiving a lot of negative responses as well. My only motive was to make people aware about the rules and the COVID protocols that people are breaking, like they're not wearing a mask and they're not waiting for people to cross the road. It is dangerous. What I did maybe have been portrayed in the wrong way. I don't want to influence anybody else to do the same thing. So Shreya Kalra ne bataya कि वो तो लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरीके से कर रहे थे, लेकिन आपको अब ये बता दूं कि ये डांस अब इंदौर तक नहीं रहा है, भोपाल तक इस डांस का मामला पहुंच गया है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले को लेकर कार्रवाई की बात कही है। नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि ठीक है नाचना एक भाव हो सकता है लेकिन ये तरीका गलत है, मोटरयान अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर श्रेया कालरा नाम की लड़की का ये डांस जो है ये चर्चा में आ गया है, वीडियो सोशल मीडिया में जैसा मैंने आपको बताया जबरदस्त तरीके से वायरल है, जमकर वायरल है। लेकिन सवाल ये भी उठता है क्योंकि आपको बता दें कि इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी मुहिम भी शुरू की थी, लोगों को यही लगा था पहले कि जिसमें किसी को अपने परिवार के सदस्य के जन्मदिन के दिन या किसी और खास मौके पर ट्रैफिक में मदद करनी है तो लोग ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यातायात विभाग से परमिशन लेनी होगी, आपको पूछना पड़ेगा यातायात विभाग से कि नियम कायदों का पालन करते हुए क्या वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लड़की ने जैसे डांस किया उसके बाद ये चर्चा में आ गया। इंदौर से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने, आप देखते रहिए MP तक।